नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। दो पक्षों में मारपीट के बाद एक पक्ष के युवक की मृत्यु होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद मृतक के शव को गांव लाया गया। तब परिजनों ने शव को टनकपुर हाईवे पर रखकर जाम लगाया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सीओ सहित एसडीएम मौके पर पहुंचे और काफी समझाने बुझाने के बाद जाम को खुलवाया गया। सदर सीओ विधि भूषण द्वारा बताया गया कि पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के पिपरिया आगरू में दो पक्षों में मारपीट के बाद पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जहां पर इलाज के दौरान एक पक्ष के युवक की मृत्यु हो गई, जिसके चलते परिजनों ने जाम लगाया था, जिनको समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया और मामले की जाँच की जा रही है। जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 23 सितम्बर 2024 को थाना न्यूरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपरिया आगरू में दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट की लिखित तहरीर एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इसमें से एक पक्ष के एक व्यक्ति को आई गंभीर चोटों के आधार पर जिला अस्पताल पीलीभीत के द्वारा हायर सेंटर को रेफर किया गया था, जिसका इलाज लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली में चल रहा था। विवेचक के द्वारा डॉक्टर के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग में बीएनएस की धारा 109 की बढ़ोतरी दिनांक 24 सितंबर को कर दी गई थी। आज दिनांक 25 सितंबर को उक्त मजरूब की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु होने के उपरांत मृतक के परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर पीलीभीत टनकपुर हाईवे को जाम करने का प्रयास किया जा रहा था। उच्च अधिकारियों एवं थाना स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधितों को समझा बुझा कर शांत किया गया है एवं अभियोग में बीएनएस की धारा 103 की बढ़ोतरी कर संबंधित अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ब्यूरो चीफ जैनुल की रिपोर्ट।